दोस्तों बात करेंगे फ्लुपेंटिक्सोल के बारे में। ये ड्रग क्या होता है, किस बीमारी में चलता है, कैसे काम करता है, साइड इफेक्ट सावधानियां और इसका डोज क्या रहेगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप पूरा देखें संपूर्ण जानकारी के लिए। शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर फ्लुपेंटिक्सोल आपने देखा होगा अधिकतर डॉक्टर्स लिख देते हैं, ठीक है। हालांकि एक एंटीसाइकोटिक ड्रग होता है, लेकिन कई बार नॉर्मल बीमारियां जो होती हैं उनमें भी इसको चलाया जाता है, ठीक है। तो फ्लुपेंटिक्सोल के बारे में पहले अपन समझ लेते हैं कि ये किस किस नाम से मिलता है। फ्लेसिडा, स्पेंजो, फ्लूपेन, ये बहुत सारे इसके फेमस ब्रांड नेम्स हो सकते हैं, ठीक है। एक एनजी करके भी आता है, NG4F, तो बहुत सारे हो सकते हैं। ये मार्केट में इंजेक्शन और टैबलेट की फॉर्म में मिलता है। टैबलेट इसकी दोस्तों 0.5, 1 मिलीग्राम और 3 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में होती है। इंजेक्शन भी आता है दोस्तों, इंजेक्शन जो है 20 मिलीग्राम पर ml का इंजेक्शन का मिलता है। 20 मिलीग्राम पर ml का इंजेक्शन आपको 1 ml और 2 ml की स्ट्रेंथ में मिल जाता है, ठीक है। तो ये होगा इसका ओवरव्यू। अभी बात की जाए कि ये है क्या, तो दोस्तों ये एक एंटीसाइकोटिक ड्रग होता है, या आप बोल सकते हैं कि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और होती है माइल्ड सेडेटिव की तरह, ताकि इससे आपको नींद भी आ जाती है। अब बात करें कि ये कुछ कॉम्बिनेशन के फॉर्म में ज़्यादातर चलता है। कभी भी फ्लुपेंटिक्सोल अकेला बहुत कम देखा जाता है, अधिकतर इन कॉम्बिनेशन में मिलता है। डेकानोएट के साथ मिलता है और दूसरा मेलिट्रेसेन, इन दो दवाइयों के साथ इसको अधिकतर देखा जाता है, ठीक है। और इनके कॉम्बिनेशन का अलग यूज़ होता है थोड़ा सा, वो मैं आपको कभी दूसरे वीडियो में बताऊँगा। अभी बात करें कि भाई ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है फ्लुपेंटिक्सोल। एक्चुअली दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं, अभी तो मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि वो बंदा बोल रहा था कि मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं भगवानों को लेकर, जो गॉड ईश्वर है उसके लेकर उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं। या कई लोग ऐसे होते हैं जिनको माँ बेटी को देख कर बुरे बुरे ख्याल आते हैं, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप देखोगे तो सब मिलेगा आपको अपने चैनल पर। सो ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में गंदे गंदे विचार चलते रहते हैं, बुरे बुरे ख्याल आते ही रहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट होता है, ठीक है, उनको दिया जा सकता है। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तनाव, चिंता, इनमें आदमी सो नहीं पाता रात रात भर, ठीक है, खाना पीना छोड़ देता है, इन लोगों को भी दिया जा सकता है। हाइपर एक्टिव व्यक्ति या मेनिया बोल सकते हैं, सेडेटिव्स की तरह वर्क कर रहा है, तो वहाँ पर अपन देख सकते हैं ब्रेन को काम डाउन करेगा, ठीक है। सिज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम होती है, इसमें भी इसको दिया जा सकता है, ठीक है। और लो फीलिंग्स, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई ज़्यादा भावनाएं बची नहीं होती हैं, उनको ज़्यादा किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता है, कहीं भी ले जाओ आप उनका मन सैड रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी ये दिया जाता है। तो फ्लुपेंटिक्सोल एक प्रकार से क्या कर रहा है, आदमी को रिलैक्स कर रहा है, टेंशन है तो टेंशन को दूर कर रहा है, तनाव है, चिंता है, सबको दूर करके आदमी को एक नॉर्मल स्टेट पर लाकर उसको रिलैक्स कराता है। और कई लोग जिनको नींद नहीं आ रही होती है तो उनको नींद भी आ जाती है, तो फ्लुपेंटिक्सोल यही कर रहा है। काम कैसे करता है दोस्तों, ये एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है, तो जाहिर सी बात है आपके ब्रेन पर जाकर वर्क करता है, ठीक है। ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर डोपामाइन जो न्यूरो ट्रांसमीटर है उसी के ऊपर जाकर ये वर्क करता है, ताकि आपके जो भी ब्रेन के थॉट्स हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। तो डोपामाइन को कंट्रोल करता ही, ठीक है, तो फिर आप ठीक हो जाते हैं। फ्लुपेंटिक्सोल ड्रग यूज़ करने के पहले आपको कुछ दवाइयों के बारे में मालूम होना चाहिए कि आपको इनका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इनके गंभीर साइड इफेक्ट्स साथ में आते हैं। ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट ड्रग्स जितने भी और होते हैं उनको नहीं दिया जाता इसके साथ स्पेशली, और लीवोडोपा वगैरह जो आते हैं वो भी नहीं चलते इसके साथ, ठीक है। मेटोक्लोप्रामाइड इसको भी नहीं देते हैं, प्रोक्लोरपेराजाइन ये ड्रग जो होता है चक्कर वगैरह में चलता है, ये भी नहीं दिया जाता, ठीक है। कुछ सावधानियों को समझ लेते हैं, कुछ इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन को भी समझ लेते हैं कि कब इसको नहीं देना है, कब सावधानी पूर्वक देना है। सावधानी ये है कि अगर व्यक्ति को लिवर, किडनी, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, या उसको एपिलेप्सी आती है, मिर्गी आती है, तब इस तरह के मरीज को आप दे तो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम मात्रा में, सावधानी पूर्वक। लेकिन किस व्यक्ति को नहीं देना, किस तरह के मरीज को बिल्कुल नहीं दिया जाता, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट बेस्डिंग मदर्स, जो महिला गर्भवती है बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चा हो चुका है, उनको नहीं देना है। शराब के साथ बिल्कुल नहीं देना है, अगर व्यक्ति शराब पिया हुआ है, शाम को पी ली थी, अब सोच रहा है रात में गोली खा के सो जाऊँ, ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है।
और दोस्तों बात आती है कि जो ओल्ड एज होते हैं, मतलब कि बूढ़े लोग जिनकी उम्र लगभग वो 60 साल से ज़्यादा होती है, उनको कम मात्रा में डोज देना है, और बच्चों के लिए नहीं होता है। बच्चे को नींद नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको फ्लुपेंटेक्सोल दे दें, ये गलती नहीं करना है। बात करें इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की कि फ्लुपेंटेक्सोल क्या साइड इफ़ेक्ट दे सकता है। तो इसमें नॉर्मल सा साइड इफ़ेक्ट देखा गया है कि भाई वो आदमी का मुंह सूखा सूखा रहता है, ठीक है, वो पानी पीता है उसका प्यास ख़त्म नहीं होती, पेट में थोड़ा बहुत दर्द हो जाए, स्पाज्मोटिक पेन हो सकता है, ठीक है। और महिलाओं को पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, जाहिर सी बात है आप दवाई खाओगे तो आपका पीरियड जो 10 दिन बाद आना था वो 4-5 दिन पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, वो आगे पीछे हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है पीरियड्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको आप देख कर आपको घबराना नहीं है, ये नॉर्मल सा एक साइड इफ़ेक्ट्स होता है। लेने का तरीका, डोज क्या रहेगा, एडल्ट्स को ही देना है इसको। एडल्ट्स को जो डोज होता है दोस्तों 0.5 मिलीग्राम दे सकते हैं सुबह शाम, ठीक है, और फिर धीरे धीरे समस्या ज़्यादा है बड़ी तो फिर धीरे धीरे डोज को बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि दिन भर का डोज आप 9 से लेकर 15 मिलीग्राम तक पर डे दे सकते हैं, बढ़ाने पर एक दिन में 9 से 15 मिलीग्राम तक दे सकते हैं, ठीक है। जो 3-3 मिलीग्राम की टेबलेट है वो आप 3 से 4 दे सकते हैं दिन भर में। और इंजेक्शन की बात की जाए तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इसका लगता है, ठीक है, और 18 मिलीग्राम मैक्सिमम इसका डोज होता है, तो ये दिया जा सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा दूसरा चैनल दोस्तों ज्ञाने ब्लॉग्स, उसको आपने नहीं देखा तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं, सब्सक्राइब वहाँ पर करके सपोर्ट दिखाएं। तो आप देख रहे थे ज्ञानी आर द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।